वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मशहूर एक्शन मूवी के पार्ट 3 के बारे में, जिसका नाम लीथल वेपन 3 है। ये मूवी 1992 में रिलीज हुई। इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं मेल गिब्सन, और इस फिल्म की रेटिंग 6.7 है आईएमडीबी पर। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि अपने रिटायरमेंट से एक वीक पहले सार्जेंट मर्टो और सार्जेंट रिक्स की डिमोशन हो जाती है जब वो एक बिल्डिंग में बम डिफ्यूज करने जाते हैं और वो बम फट जाता है, जिससे वो बिल्डिंग तबाह हो जाती है। उसके बाद वो स्ट्रीट पेट्रोलिंग की तरफ चले जाते हैं। जब वो स्ट्रीट पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तब वो एक आर्मर्ड कार की चोरी देखते हैं और उस चोरी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से। और आर्मर्ड कार को चलाने वाले चोर को, जिसका नाम डिलोरेस होता है, उसको पकड़ लेते हैं। और वो दो चोर होते हैं जिनमें से एक भाग जाता है और एक पुलिस कस्टडी में आ जाता है। और वो दोनों चोर जैक ट्रेविस नामी आदमी के लिए काम करते होते हैं, जो एक फॉर्मर एलएपीडी का लियूटेनेंट होता है और अब वो वेपन स्मगलिंग का ग्रुप चला रहा होता है लॉस एंजलिस में। डिपार्टमेंट की परेशानी जब बढ़ती है जब उनको पता चलता है कि वो लोग आर्मर्ड पेसिंग बुलेट्स यूज कर रहे हैं। फिर मर्टो और रिक्स को वापस प्रमोट करके सार्जेंट लॉर्ना कोल के साथ काम करने का कहते हैं, जो इंटरनल अफेयर्स में काम करती हैं और ट्रेविस को पकड़ना चाहती हैं। ट्रेविस आजकल नेगोशिएट कर रहा होता है मॉबस्टर टायोन के साथ आर्म्स डील के लिए। आर्मर्ड कार चुराने वाला चोर जब भाग के वापस ट्रेविस के पास आता है तो ट्रेविस गुस्से में आके उसको टायरॉन के सामने गोली मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से पुलिस की नजरों में वो लोग आ जाते हैं। फिर ट्रेविस अपना पुराना पुलिस क्रेडेंशियल यूज करके पुलिस स्टेशन में जाता है और इंटेरोगेशन रूम में, जिसमें वो दूसरा जो डिलोरेस होता है, उसको मार देता है। इससे पहले उसका इंटरव्यू होता, ट्रेविस को नहीं पता होता कि स्टेशन में अब सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और लॉर्ना उसको पहचान जाती है। जब तीनों उस फुटेज को देख रहे होते हैं तभी लियो गेट्स वहां आता है, जो मर्टो को उसका घर बेचने में मदद कर रहा होता है। वो उस वीडियो में ट्रेविस को पहचान जाता है और अपने माजी की डील्स की वजह से, और बताता है कि उसको आइस हॉकी स्पोर्ट देखने का बहुत शौक है। फिर रिग्स, मर्टो और गेट्स तीनों मिलके आइस हॉकी मैच के लिए जाते हैं, जहां वो ट्रेविस को पकड़ने के लिए काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान वहां से ट्रेविस भाग जाता है और इसी हपड़ दपड़ में गेट्स जख्मी हो जाता है। लेकिन गेट्स दोनों को ट्रेविस के वेयरहाउस का पता भी दे देता है, जहां उनको शक होता है कि ट्रेविस अपने हथियार छुपाता होगा। फिर रिक्स और मर्टो कोल से कॉन्टैक्ट करते हैं बैकअप के लिए रेड से पहले, और एक फूड ट्रक के साथ इंतजार करते हैं। वहां वो एक ड्रग डील देखते हैं और उसको रोकने जाते हैं, तो मर्टो एक गनमैन को मार देता है। फिर जब वो देखता है तो वो गनमैन उसके बेटे निक का दोस्त डैरल होता है। वो गम में निढाल हो जाता है। इसी दौरान रिक्स और कोल वेयरहाउस पहुंच जाते हैं, जहां वो शिपमेंट को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसी रात कोल और रिक्स को आपस में मोहब्बत हो जाती है और दोनों सेक्स करते हैं। फिर रिक्स गम से निढाल मर्टो, जो नशे में धत अपनी बोट पर होते हैं, उनको समझाता है। और बाद में दोनों डैरल के फ्यूनरल अटेंड करते हैं, जहां डैरल का बाप मर्टो से कहता है कि उस इंसान को नहीं छोड़ना जिसने डैरल के हाथ में हथियार दिया था। फिर कोल को पता चलता है कि डैरल की गन, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स और वेयर हाउस से पकड़े गए हथियार जो तबाह करने थे पुलिस स्टेशन में, वो ट्रेविस चोरी कर लेता है, जिससे उनको मालूम होता है कि वो अपने पुराने पुलिस क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा है, जिसको वो अब खत्म कर देते हैं। फिर वो टायरॉन का भी पता लगा लेते हैं और उससे इंटेरोगेट करते हैं, जो उनको ट्रेविस के ऑटो गैराज का पता देता है, जहां से वो उसके आदमी पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ट्रेविस कंप्यूटर हैक करवा के एक और पुलिस का वेयरहाउस मालूम कर लेता है, और फिर कैप्टन मर्फी को गन पॉइंट पर उस नए जगह ले जाता है, जहां वो कैप्टन मर्फी के क्रेडेंशियल यूज करता है। कोल को ये बात पता चल जाती है और तीनों एक नए पुलिस वाले के साथ वहां जाते हैं। उस नए पुलिस वाले का नाम एडवर्ड्स होता है और वो रिक्स और मर्टो को अपना आइडियल मानता होता है। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब वो कैप्टन मर्फी को तो बचा लेते हैं और ट्रेविस को हथियार ले जाने से भी रोक देते हैं, लेकिन इन सब में वो यंग पुलिस वाला एडवर्ड्स मारा जाता है। गेट्स फिर मालूम देता है कि ट्रेविस एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी भी चला रहे हैं। रिक्स और मर्टो वहां जाते हैं रात को और एक बड़ी और खतरनाक गन फाइट शुरू हो जाती है। रिक्स उस कंस्ट्रक्शन साइट को आग लगा देते हैं, जिससे ट्रेविस के बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं। इसी दौरान ट्रेविस कोल को जख्मी कर देता है। फिर ट्रेविस बुलडोजर में रिक्स को
मारने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है और बुलडोजर के ब्लेड को बुलेट प्रूफ शील्ड के तौर पर यूज करता है। तभी मर्डो डैरिल की गन, जिसमें अब आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स होते हैं, वो रिक्स की तरफ फेंकता है और रिक्स गोलियां चलाता है जो उस ब्लेड के पार होकर ट्रेविस को लग जाती हैं और जिससे ट्रेविस मर जाता है। जब रिक्स कोल को चेक करता है तो वो देखता है कि कोल ने दो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती हैं और जब वो हेलीकॉप्टर में जा रही होती है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, तब रिक्स कोल को प्रपोज करता है। अगले दिन मर्टो की फैमिली उसकी रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रही होती है, तब मर्टो गेट्स को बताता है कि वो अब घर नहीं बेच रहा और रिटायरमेंट भी वापस ले रहा है और रिक्स के साथ वो आगे भी काम करना चाहता है। फिल्म के आखिर में रिक्स अपने और कोल के रिलेशनशिप को मर्टो के सामने बताता है।